नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSSB में जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया है, पोस्ट कोड 815/24, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल किया जाए, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि उन्हें फॉर्म भरने में कठिनाई हो रही है, इसलिए आज स्पेसिफिक वीडियो बनाया हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को कैसे फिल करें। तो एक बार सबसे पहले हम वैकेंसी को देख लेते हैं, जो इसका लास्ट डेट रहने वाला है। ये आप देखेंगे फार्मासिस्ट एलोपैथिक जूनियर फार्मासिस्ट का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 21 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुका है और 19 अप्रैल 2024 इसका लास्ट डेट है। लगभग लगभग एक हफ्ते का टाइम आपके पास है। बात कर लेंगे पोस्ट कोड की, तो यहाँ आप देखोगे सबसे पहले आपको पोस्ट कोड का ध्यान रखना है। जो फार्मासिस्ट डिस्पेंसर और फार्मासिस्ट एलोपैथिक का पोस्ट है वो 815/24 में है। यहाँ आपका 110 पोस्ट है, यहाँ टोटल 18 पोस्ट है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है OARS DSSSB। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये जो फॉर्म है वो बहुत आराम से भरना है, क्योंकि DSSSB जो क्या है कि आपका डाटा एक ही बार लेता है, क्योंकि इसमें आपका फोन नंबर और आधार कार्ड और इसके साथ ही 10th का सर्टिफिकेट और 10th का रोल नंबर यूज किया जाता है। इसलिए आप जब फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हो तो बहुत ही आराम से करें, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका होता है अपना सही फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ आप जैसे ही OARS के न्यू रजिस्ट्रेशन में जाओगे, सबसे पहले आप नेम ऑफ एप्लीकेंट फिल करना है, देन आपको फिर से डेट ऑफ बर्थ, री इंटर डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ आप देखोगे री एंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10, क्लास 10 में जो आपका रोल नंबर है वो फिल करना है, फिर आपका कब आपने क्लास 10 पासिंग किया है इसको आपको फिल कर लेना है, इसके बाद अपना जेंडर, नेशनैलिटी, फादर नेम, मदर नेम, ये सब फिल करना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, जो मोबाइल नंबर आपका आएगा ये फिल करना है, देन आपको ईमेल आईडी अपना फिल करना है। इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा और ईमेल पर भी OTP आएगा जो आपको एंटर करना होता है। इसके बाद आप जैसे ही नीचे जाओगे तो आपको आधार कार्ड का डिटेल्स भी फिल करना होता है, री एंटर आधार नंबर होता है जो आपके आधार कार्ड पर आपका नाम लिखा हुआ है, ये सब फिल करने के बाद आपको पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड करने का ऑप्शन दिया जाता है, फिर अंडरटेकिंग पर क्लिक करके आपको प्रीव्यू करना होता है, देन आपका रजिस्ट्रेशन में जो है ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, फिर आप आगे चलकर लॉगिन कर सकते हो। देन जब आप लॉगिन करते हो तो आपको मेनली पोस्ट कोड 815/24 पे क्लिक करना है। तो यहाँ आप देखोगे लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट अंडर कंबाइंड मेडिकल एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करना है। तो इसमें आप जो क्लिक करोगे तो आपको यहाँ आप देखोगे यहाँ जो है ये 815/24 में दो पोस्ट हैं। एक तो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में फार्मासिस्ट डिस्पेंसर के 110 पोस्ट हैं और दूसरा पोस्ट है NDMC में फार्मासिस्ट एलोपैथिक के 18 पोस्ट हैं। तो इसमें आपको दोनों पे टिक करना है, दोनों पे यस करना है, और इसमें आप एक बार चेक कर लेना जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो MCD फार्मासिस्ट डिस्पेंसर का एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, और इसके साथ ही यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है वो आपको फिल करना पड़ेगा कि आपने किस जगह पे किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी फार्मेसी शॉप पर आपने कब से कब तक काम किया है, तो उसके बारे में सारा डिटेल्स फिल करना होता है। एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉयर का एड्रेस, एम्प्लॉयर का मोबाइल नंबर भी फिल करना होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं दूसरा जो पोस्ट है NDMC में फार्मासिस्ट एलोपैथिक का, जिसमें 18 पोस्ट हैं, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक होना जरूरी है और डिप्लोमा इन एलोपैथिक फार्मेसी होना जरूरी है। आप किसी भी स्टेट से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी में आता है, इसलिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले जो ये ऑप्शन आएगा दोस्तों, तो इसमें आपको दोनों ऑप्शन पर क्लिक करना है, पोस्ट कोड 815/24 में। फिर इसमें जो आता है दोस्तों फोटो अपलोड करने का, क्योंकि फोटो जो अपलोड करना है वो आपको बहुत ही ध्यान से करना है। यहाँ पर दिया गया है पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करना है,
5x7 इंच का। आपको गूगल पे सिंपली टाइप करना है फोटो साइज। जैसे ही आप फोटो साइज करोगे तो वहां आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, आप डिटेल प्रेसवी के फॉर्म में देखोगे, इसका जो विड्थ होना चाहिए वो 480 पीएक्स का होना चाहिए और हाइट जो है वो 672 पीएक्स का होना चाहिए और मैक्सिमम साइज जो है फोटो का वो 300 किलोबाइट यानी केबी का होना चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया आपका फुलफिल होता है देन जाकर आप यहाँ पर, पहले आप फोटो साइज में अपने फोटो को बना लें फिर जाकर ये आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो चूज फाइल पर क्लिक करके। इसके बाद हम आते हैं कि इसके नेक्स्ट का प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ आप देखोगे जैसा कि मैंने बताया कि जो एमसीडी दिल्ली में यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में फार्मासिस्ट डिस्पेंसर का पोस्ट है, इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और इस 2 साल के एक्सपीरियंस में आपको बताना पड़ेगा कि आपने कहां पर काम किया है। तो यहां पर आप देखोगे नेम ऑफ पोस्ट में आपको सबसे पहले फार्मासिस्ट देना है, किस डेट को आपको ज्वाइनिंग हुआ था वहां पर ये फिल करना है और कब डेट पर आपकी रिजाइनिंग हुआ है ये भी लिखना है। अगर आप सेम जगह पर अभी भी काम कर रहे हो तो आज का डेट डाल देना, यानी आज 11 अप्रैल 2024 है तो 11 अप्रैल 2024 डाल देना, क्योंकि यहां पर लीविंग डेट भी मांगा गया है। देन आपका एम्प्लॉयर नेम, कहां पर आप काम करते हो, जैसे कोई अपोलो फार्मेसी में काम करता है, कोई आपका एक्सन बालाजी हॉस्पिटल में काम करता है, कोई राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में काम करता है, तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर नेम डालना है। देन आपका एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपने एचआर का नंबर डाल सकते हो। और फिर आता है एम्प्लॉयर एड्रेस, यहाँ पर भी आपको अपना जो एम्प्लॉयर का एड्रेस है वो डालना है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं दोस्तों, तो ये आप देखेंगे इसके बाद आगे आ जाते हैं और क्या प्रोसीजर है इसमें। तो एक चीज आप और देखेंगे कि जैसे ही आप यहां पर आओगे एनडीएमसी में जो फार्मासिस्ट का पोस्ट है वहां पर आपको कोई भी नहीं मांगा गया है, यहां पर सिंपली लिखा गया है कि आपको मैट्रिक पास होना जरूरी है और यहां पर कोई भी, यहां पर क्वालिफिकेशन में आपको क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट करना है क्लास एक्स, डिसिप्लिन में आपको सेलेक्ट करना है जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी है कितना परसेंटेज आया था आपको ये फिल करना है, 10th में आपका कितना परसेंट आया था, मान लो किसी का 72% आया था तो 72% किस स्टेट से आपने पास किया है, अगर दिल्ली से पास किया है तो दिल्ली से आपको फिल करना है, आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी फिल करना है, देन पासिंग मंथ और ईयर फिल करना है। तो ये पोस्ट कोड 815/24 के लिए है। तो इसी तरह से हमने देखा कि जो आपका है वो फिल करना है और आपको बड़े आराम से DSSSB के फॉर्म फिल करना है। जब आप ये सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फोटो अपलोड कर दोगे देन आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और राइट थंब का इम्प्रेशन भी अपलोड करना है, फिर आपका सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है। ये सब अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा जिसमें आप देखोगे अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको 100 रुपीज का ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस पे करना होगा, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो उस केस में कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस नहीं है। थैंक यू दोस्तों, मेरा यही मोटिव था कि DSSSB के फॉर्म को आपको बहुत आराम से भरना है क्योंकि इसमें 10th का रोल नंबर, आधार कार्ड यूज होता है और वो आपके पास सिंगल चांसेस होते हैं, इसलिए बड़े ही आराम से फिल करें। फिल करने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें और DSSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के अंत में भी मैं DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिंक दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों।